बिजनेस न्यूज की जानिब। आपको बताते हैं सिगरेट इंडस्ट्री पर टेक्सास में इजाफे से 2 माह में गैर कानूनी सिगरेटों का मार्केट शेयर 29% तक बढ़ गया। गुज़िश्ता 2 माह में स्मगल शुदा सिगरेटों की दस्तयाबी में 200% इजाफा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह के दौरान मुल्क में 70 नए स्मगल्ड सिगरेट ब्रांड्स मार्केट में शामिल हुए हैं। जनवरी 2023 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी टोबो कंपनी का मार्केट शेयर 4.8 अरब सिगरेट था। फरवरी 2023 में मुल्क की सबसे बड़ी टोबैको कंपनी का मार्केट शेयर 2.6 अरब सिगरेट तक कम हो चुका है। वज़ीरे दाखला राणा सनाउल्लाह खान ने एशियाई कोरोनोश की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अहम इकदाम का फैसला कर लिया। वज़ीरे दाखला की ज़ेरे सदारत एशिया कोरोनोश गंदम चीनी खाद की स्मगलिंग की रोकथाम के बारे में इजलास हुआ। इजलास में वज़ीरे दफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीरे तजारत सैयद नवी कमर ने शिरकत की। इजलास में वज़ीरे नेशनल फूड सिक्योरिटी तारिक शब्बीर चीमा, वज़ीरे सनअत खदूम मुर्तजा महमूद, सेक्रेटरी दाखला चेयरमैन FDR आसिफ अहमद और वफाकी व सूबाई इदारों के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। और आपको बताते चलें कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुखबर की शनाख्त लीक होने पर FDR को रिपोर्ट पेश करने की हदायत कर दी। सदर मुमलिकत ने कहा है निजी कंपनी के अकाउंट्स की कंपनी के मुबैना टैक्स फ्रॉड के मालूमात FDR को दी थी। मुखबर की मालूमात कंपनी के मालिक को लीक कर दी गई। मुलाजमीन को धमकियों का सामना करना पड़ा। FDR वजाहत करे कि मालूमात को मुकम्मल तौर पर क्यों इस्तेमाल न कर सका। सदर अलवी ने वफाकी टैक्स मुहतसब के हुक्म के खिलाफ FDR की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि FDR अपने मुतलका असिस्टेंट ऑर्डर्स पर नजरसानी करे और मुखबर को समाअत का मौका फराहम करे। ये वाकया मुखबरी की तस्वुर और इससे हवाले से कानून साजी की सख्त खिलाफ है। मालूमात से फायदा उठाने के बजाय FDR ने बहुत सुस्त रवि का मुजाहरा किया।